हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं वनवारी लाल कुशवाहा, आप देख रहे हैं हेक्स न्यूज। तो देखते हैं खास खबरें। महाशिवरात्रि बहुत ही पवन त्योहार है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन हुआ था, या ये कह सकते हैं कि आज के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ। इस दिन दुनिया भर में लोग उपवास, पूजा पाठ और शिव पूजा करते हैं। इस दिन लोग भगवान शिव का अभिषेक दूध दही और शहद से करते हैं और उन्हें चंदन का लेप लगाते हैं। इसके बाद उन्हें तीन मुखी बेलपात्र और फल फूल भी अर्पित करते हैं। साथ ही आज कई मंदिरों में पूजा हवन के साथ भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन भगवान शिव पार्वती का श्रृंगार भव्य होता है और उज्जैन जैसे बड़े मंदिरों में शिव पार्वती की झांकियां भी निकाली जाती हैं। इस दिन जगह जगह मेला लगता है और चाहे छोटे मंदिर हो या बड़े मंदिर हो, सभी जगह महाशिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों में भगवान शिव पार्वती के दर्शन के लिए भक्तों का मेला सा लग जाता है और हर कोई आज के दिन बाबा भोलेनाथ के दर्शन करना चाहता है और अपना जीवन शिव आशीर्वाद से सफल करना चाहता है। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह को एक खास दिन पर मनाई जाती है। इस दिन की तिथि हर साल बदलती है क्योंकि ये दिन ग्रह नक्षत्र के द्वारा तय की जाती है। इस साल महाशिवरात्रि 4 मार्च 2019 सोमवार के दिन पड़ रही है। इस साल शिवरात्रि में अद्भुत संयोग बन रहे हैं, इसलिए आज के दिन व्रत, पूजा पाठ और शिव पार्वती की आराधना करनी चाहिए, साथ ही फल नवेद का भोग लगाना चाहिए। जोशियों के मुताबिक इस साल महाशिवरात्रि 51 सालों के बाद सोमवार को पड़ रही है और सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन कहलाता है, इसलिए इस बार की महाशिवरात्रि और भी खास है। इस दिन कई लोग रुद्राभिषेक करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन किया गया रुद्राभिषेक बहुत ही फलदायी होता है।